नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं कंप्यूटर नेक्सस सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटा सॉर्टिंग के ऊपर कि डेटा को कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। एक डाटा मैंने पहले से बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही वो डेटा है। ठीक है, इसी पर हमें काम करना है और इसी पर हम अपना जो भी करना है इसी पर करेंगे। तो चलिए आइए एक बार देख लेते हैं कि हम डेटा की सॉर्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है एक डेटा बना हुआ है। ठीक है, डेटा सॉर्ट का ऑप्शन होता कहाँ है? होम टैब में यहाँ पर देखिए डेटा सॉर्टिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं एक बार कैसे इसको किया जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, यही टाइटल हमें सेलेक्ट करना है। तो ऑलरेडी मेरा सेलेक्टेड है पहले से। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉर्ट पे जाते हैं। देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है, ए टू जेड के क्रम में सॉर्ट करना है इसे। तो ए टू जेड के क्रम में ये पहले से सॉर्ट है। देखिए ए टू जेड के क्रम में पहले से सॉर्ट है, मैं इसे जेड टू ए के क्रम में सॉर्ट कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो सबसे पहले जेड के करीबी वाला नाम आया। ठीक है, और देखिए सीरियल नंबर भी चेंज हो जा रहा है, तो सीरियल नंबर को मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ और एक बार फिर से मैं इसे ला देता हूँ। ठीक है, 1 2 के फॉर्म में ला देता हूँ। देखिए एक्सेल की ये क्वालिटी होती है कि इन दोनों नंबर्स को सेलेक्ट कीजिए, आप एक्सेल को एक क्रम बता दीजिए। जैसे मैंने बता दिया 1 के बाद 2 आना है, तो एक्सेल समझ गया, ये एक्सेल इसीलिए पॉपुलर है। अब ये आगे खींचेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 ये सब देता जाएगा। तो ये तरीका है एक्सेल में, इस तरीके से डाटा को सॉर्ट किया जा सकता है। तो ये तो मैंने नेम के बेस पे किया, सब्जेक्ट या फिर किसी और चीज़ के बेस पे करना हो, जैसे इसमें तो नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन और किसी चीज़ के बेस पे करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार और खींच देता हूँ नीचे तक। ठीक है, तो ये 8 तक हो गया। तो इस तरह से करके अब देखिए, जैसे मैंने जेड से ए के क्रम में किया था, अब ए से जेड के क्रम में करके दिखाता हूँ। ये देखिए ए से जेड के क्रम में ये सॉर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से करके हम डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।